जय हिंद साथियों, टॉम फिजिकल न्यूट्रिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले एसएससी रिजल्ट को लेकर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो एसएससी जीडी में शॉर्ट लिस्टेड हुए सभी भाइयों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, एवं असफल हो चुके भाइयों के लिए यानी कि जिनका शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ है उनके लिए ऊपर वाले से ही हमारी प्रार्थना है कि आपके अंदर सहन शक्ति प्रदान करें एवं फिर से हिम्मत जुटाने की शक्ति प्रदान करें ताकि आप भविष्य में सफल हो सके। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भाई शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं उनके लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण है, और जो भाई शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल वीडियो है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम उनके बारे में बताते हैं जो असफल हुए हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप जिंदगी में असफल हुए हैं ये बड़ी बात नहीं है, आपने कोशिश किया सबसे बड़ी बात ये है। आप जिंदगी में यदि कोशिश ही नहीं करेंगे तो असफलता मिलेगी किसे? तो आप हिम्मत के साथ डटे रहिए, लगे रहिए, सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि देखिए अभी बहुत से हमारे भाई ऐसे होंगे जो निराश हो चुके होंगे कि अरे यार हम इतना मेहनत से पढ़े और लिस्ट में नाम नहीं आएगा, छोड़ो हटाओ यार अब नहीं तैयारी करेंगे, बहुत पढ़ लिए, ये वो दुनिया भर की बातें। मेरे दोस्त ये आपके लाइफ की आखिरी भर्ती नहीं है, अभी तमाम वैकेंसियां आने वाली हैं जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आप हिम्मत हार गए तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जो मन से हार गया वो हार गया, जो मन से जीत गया वो जीतेगा, एक ना एक दिन जरूर जीतेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप सफल हो तो आप हिम्मत अपनी रखिए। क्योंकि देखिए अभी यार एक भर्ती आपके सामने कैसे निकली है, आप सोचिए, आप एकलौते नहीं है जो छठे हैं, 54 लाख लड़कों ने फॉर्म को भरा था जिसमें से 4 लाख लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। आप बताइए वो भी 4 लाख लड़के फाइनल तक को नहीं पहुंचेंगे, मात्र 50,000 लड़के फाइनल में जाएंगे। हाँ हम मानते हैं कि फॉर्म भरते वक्त ही कुछ उम्मीदें लोगों के मन में जग जाती हैं कि अरे यार हमको वर्दी मिलेगी और ट्रेनिंग पे जाएंगे, एक अपना नेम होगा, फेम होगा, सब कुछ सबके माइंड में आता है। जाहिर सी बात है आपने सोचा, आपने एक सपना पाला कि हाँ भाई हमारा इस वैकेंसी में हो जाएगा, तो आप ये सोचिए कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से मेरा शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं आया है। आप उस कमी को ध्यान में रख करके आप फिर से तैयारी करिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर कमी थोप दें। तो ये सब गलतियां हैं, आप अपने अंदर कमी खोजिए कि क्या बात है कि मैं शॉर्टलिस्टेड नहीं हुआ। फिर से मेहनत करिए, तमाम वैकेंसी आने वाली हैं। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप यदि ऐसे ही हिम्मत हार गए तो आपसे बेकार जो है उसको सफलता मिलेगी। आपने यदि अब तक हिम्मत नहीं हारा है तो आगे भी हिम्मत आप मत हारिए, क्योंकि आप अपने उस कमी को ढूंढ सकते हैं। क्योंकि एक पढ़ने वाला लड़का जो होता है ना उसके अंदर खुद के बारे में जानने की टैलेंटी जरूर होती है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर कितनी टैलेंटी है, मैं कितना तक कंफर्म कर सकता हूं। तो आपको उस बारीकी को चेक करिए अपने अंदर कि ये मेरे अंदर की बारीकी है, मेरे अंदर की गलती है, इसकी वजह से मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया है। आपसे बेकार बेकार लोग हिम्मत रख करके हिम्मत के बदौलत दोबारा से मेहनत किए हैं और उनको सफलता मिली है 100%। यदि आज आप हार गए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, 50,000 वैकेंसी आई थी उसमें आप बताइए 8 गुना लड़कों को मात्र बुलाया गया था, 54 लाख लड़कों ने फॉर्म को भरा था जिसमें से 4 लाख लड़कों को लेना था, तो मेरिट तो हाई जानी ही जानी, लाजमी सी बात है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए नहीं, आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, मेहनत करने पे ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना हाई होते जा रहा है कि जो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनका तो गुजारा नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो नींद भूख प्यास को आपको त्यागना होगा, ऐसे नहीं सफलता मिलती है, एक दिन में नहीं सफलता मिलती है। हम मानते हैं कि यार सबका एक सपना हो जाता है कि मैं इसमें जाऊंगा उसमें जाऊंगा, वहां पे जाने के बाद आपका फुल स्टॉप लग जाता है। फुल स्टॉप लगने के बाद देखिएगा तमाम आपके दोस्त यार मित्र ऐसे होंगे जो आर्मी बीएसएफ सीआरपीएफ पुलिस में होंगे, उनको संतुष्टि नहीं मिलती है, वो यही कहते हैं कि अरे यार इससे बेटर तो वही अपनी लाइफ थी, तैयारी में हम भले थे लेकिन अच्छी लाइफ थी। वहां पे जाने के बाद फुल स्टॉप आपको लग जाता है और आपको ये लगता है कि नहीं इससे बेहतर वो है, इससे बेहतर और कुछ करते हैं।
तो ये लाइफ का सिलसिला यूं लगा रहेगा। आप यदि हिम्मत हार के वहीं रुक जाते हैं तो वहीं आप रुक जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो यदि आप सफल वाकई में होना चाहते हैं तो हिम्मत के साथ डटे रहिए। हिम्मत हिम्मत के आगे अच्छे अच्छे की नाव पार हो जाती है। जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं वो बीच मझधार में लटक जाता है। आप सोचिए, आपने अपनी लाइफ का 2 से 4 साल 5 साल आप इस क्षेत्र में तैयारी में किए हैं, अभी आप पूरे फाइनल पे अभी पहुंचने वाले हैं, तब तक आपके माइंड में आ जाएगा कि नहीं यार वहां मैं नहीं पहुंच सकता। जबकि वापस आने में ज्यादा मेहनत है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि नहीं यार आपको यहाँ से वापसी लेने में ही भलाई है। तो यही गलती होती है। जब आपको सफलता मिलने वाली होती है तब तक आप वहीं अपना फुल स्टॉप कर देते हैं कि ना बस अब इससे आगे मैं नहीं कर सकता। वही थोड़ी सी यदि आप मेहनत कर देते हैं अपने जीवन का तो आपको सफलता मिल जाती है। लेकिन बहुत से लड़के इस भर्ती में देखिएगा हताश निराश हो चुके होंगे कि ना अब बहुत हो चुका, 4 साल दे लिया, 5 साल दे लिया, अब कुछ नहीं हो सकता है। 1 साल तन मन से आप लगिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपने 4 साल उस फील्ड में दिया है। हाँ, जो लड़के नए हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिनका फील्ड अलग था उनको इस फील्ड में जाकर के तैयारी करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने तो यहाँ 3 साल 4 साल इस फील्ड में आप दिए हैं तैयारी करने के लिए, तो क्यों आप हार मान रहे हैं? अभी 2023 में आपके लिए एक नहीं दो नहीं अनेकों भर्तियां आने वाली हैं, आपका किसी न किसी में सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात, जो भाई सफल हो चुके हैं यानी कि शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं तो आप उस हिसाब से अपने फिजिकल की तैयारी करिए। अन्यथा आपको हम बताना चाहते हैं कि 2021 में जो वैकेंसी निकली हुई थी उसमें 2 लाख से ज्यादा लड़कों का फिजिकल के लिए बुलावा हुआ था, जिसमें से आपको बता रहे हैं कि 85,000 से ज्यादा लड़के अनफिट हुए हैं, अनफिट फिजिकल ही नहीं कंप्लीट कर पाए। तो ऐसे में यदि आप फिजिकल कंप्लीट करना चाहते हैं तो अभी से आपको फिजिकल पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, आप ये मत सोचिए कि अभी यार 5 दिन है, 10 दिन है, मेरा अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, इस डेट को जाना, उस डेट को, ये सब मत सोचिए। अभी आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि यार सोचिए एक नौकरी पाने के लिए कितने दिनों से आप वेट कर रहे थे, SSC का जब तक रिजल्ट नहीं आया था कितने आप परेशान थे, कितने हैरान थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आप लकी हैं, ऐसा आप कोशिश करिए, इसे आप मेहनत करिए कि आपको इस वैकेंसी में वर्दी मिल जाए, अन्यथा कंपटीशन हाई तो होना ही है। क्योंकि यार आए दिन लड़के तैयार होते जा रहे हैं, हाई स्कूल इंटर जैसे कंप्लीट हुआ फोर्स लाइन की तैयारी करने के लिए उतर जाते हैं। तो यदि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो फिजिकल की आप तैयारी करिए ताकि आप वहां पे फिजिकल अपना कंप्लीट कर सके और अगली प्रक्रिया में आपको मौका मिल सके। तो आप हिम्मत के साथ रहिएगा, क्योंकि अभी देखिए 4 लाख लड़के यदि शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ना तो 4 लाख लड़के फिजिकल देने नहीं जाते हैं, ये 100% गारंटी है। क्योंकि SSC का जो एग्जाम होता है ना, बहुत से लोग अपने आप को ट्राई करने के लिए एग्जाम में बैठते हैं ताकि मैं अपने आप को देख सकूं कि मैं SSC के एग्जाम को फाइट कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि जो हाई लेवल की तैयारियां करने वाले होते हैं उनके माइंड में होता है कि SSC, ज्यादातर देखिएगा वैकेंसी SSC ही कराती है, तो सबके माइंड में ये होता है कि थोड़ा सा इसको ट्राई किया जाए। तो 4 लाख लड़के यदि शॉर्ट लिस्टेड है तो आपको हम बताना चाहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लड़के ऐसे होंगे जो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली वैकेंसी में भी सेम यही कंडीशन हुआ था। जितने लड़के शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसमें से आधे लड़के गए ही नहीं, लड़के हो या लड़कियां दोनों नहीं गए। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी होने वाला है। तो आप थोड़ा सा यदि मेहनत कर दीजिएगा तो आपको सफलता मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप दोनों लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको भी और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना भर्ती से संबंधित आए तो आपको हमारे माध्यम से मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।